टाइगर है, वाइट टाइगर है, देख सकते हैं दो दो है। ये रहा लायन, और दोस्तों यहाँ पर एक एटीएम भी है जो कि जू पार्क से जस्ट यहीं पर है, एकदम मोड़ पे ही है। ठीक है, तो मैंने यहाँ से एटीएम से कुछ पैसे निकाल लिए हैं, चलिए चलते हैं आप आगे जू पार्क की ओर। सो है गाइस, आप सभी का और एक नए ब्लॉग पर स्वागत है। और जस्ट देख सकते हैं मैं अभी नेहरू जूलॉजिकल पार्क है, वहाँ पर एंट्रेंस हो चुका है और ये इसका मेन एंट्रेंस गेट है और ये इसका बाहर का व्यू है। मैं आपको दिखाऊंगा इसमें आगे अभी कि जो हम टिकट वगैरह कलेक्ट करते हैं तो वो इधर कितने लगते हैं, सारा डिटेल मिलेगा ब्लॉग पे, बने रहे, बहुत मज़ा आने वाला ब्लॉग में, चलिए आगे देखते हैं। और देखिए ये जो पार्क है वो मंडे को बंद रहता है, तो आप लोग जब भी आएँ मंडे के अलावा कोई भी दिन आ जाएँ। और देखिए संडे को यहाँ पे अलग चार्ज लिए जाते हैं, संडे को 75 रुपीज़ लिए जाते हैं, बाकी अब ट्यूजडे टू सैटरडे आएंगे तो आपको 60 रुपीज़ पर एडल्ट चार्ज किया जाएगा। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं मैंने टिकट ले लिया है, तो चलिए अब चलते हैं आगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये इसका मेन एंट्रेंस गेट है, जहाँ से आपको टिकट वगैरह सब कुछ चेक होके अब यहाँ से अंदर आते हैं। ठीक है, और इधर बस पार्क है और देख सकते हैं पीछे का नज़ारा बहुत ही अच्छा है। और ये इसका एंट्रेंस गेट है जो कि मैंने जस्ट अभी यहाँ से एंटर किया हुआ है। और देख सकते हैं यहाँ पर एक फिश एक्वेरियम है, यानी कि इसके अंदर फिश जो है उसको रखा गया है। तो बहुत तरह के फिशेज यहाँ पर हैं, लेकिन मुझे उतना कुछ खास पसंद नहीं है फिश, तो इसलिए मैंने उसका अंदर नहीं गया। लेकिन जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो टाइगर लायन, तो वो मैं ज़रूर जाऊँगा। और दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हैं पीछे में कुछ ऑटो टाइप से लगे हुए हैं, तो आप इन सबको बुकिंग करके अभी उसके थ्रू घूम सकते हैं पूरा का पूरा। तो देखिए बेसिकली यहाँ पर चार तरह के राइडिंग फैसिलिटीज़ रखे गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हो पहले ग्रीन रेड बैटरी व्हीकल्स, यानी कि जिसका मैंने दिखाया आपको पिछले वीडियो में, देख सकते हैं पीछे में, यानी कि इस तरह से जो गाड़ी है इनसे आप इसके अंदर ट्रैवलिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं बाइसाइकिल राइड है जो कि अभी बंद किया गया है बाइसाइकिल राइड को। और नेक्स्ट है टॉय ट्रेन, यानी कि खिलौना वाला, तो उसमें भी आप बैठ सकते हैं टॉय ट्रेन के अंदर, खिलौने वाले ट्रेन रहते हैं। और सबसे मस्त है सफारी राइड जो कि हम लोग अभी करने वाले हैं, देख सकते हैं नीचे में, जहाँ पर आपको बहुत ही सामने से लायन टाइगर जो भी चीज़ें सबको दिखाए जाते हैं, तो हम लोग वही करने वाले हैं। बाकी सब मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन सफारी राइड के लिए मैं स्पेशली यहाँ पर आया हुआ हूँ। चलिए देखते हैं आगे सफारी राइड में कैसा क्या होता है नहीं होता है, मैं आपको सबको डिटेल दिखाऊंगा आगे। और देख सकते हैं यहाँ पर एक गाड़ी जा रही, और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है कैंटीन भी है, बहुत ही अच्छा कैंटीन है यहाँ पर, तो आप चाहे तो कैंटीन के अंदर आगे आराम से ये कुछ यहाँ बनाए के। हेलो बिग ब्लॉगर, आप लोग कौन कौन है? हम दोनों दोनों आए, और कौन आया फैमिली से? चलते साथ में घूमते हैं भाई। नाम क्या? बहुत बड़े लोग अकेले अकेले आ गए घर से। और एक इधर है, नाम क्या आपका? नेमत। नेमत आपका नाम? हम दोनों का नाम नेमत ही है भाई, दोनों का सेम। हाँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया लगा मिलके। चलिए आगे हम लोग साथ में घूमते हैं। साथ में घूम रहे हैं। चलिए तो देख सकते हैं यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा ये टॉर्टराइज है, देखो दो है, एक मेल दिखाओ, देख सकते हैं यहाँ पर दो टॉर्टराइज रखे हुए हैं, यानी कछुआ जिसको बोलते हैं हिंदी में। और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बहुत ही अलग किस्म का मंकी है, इसका नाम क्या है? स्क्वायरल मंकी। स्क्वायरल मंकी देख सकते हैं, बहुत ही क्यूट सा है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। देख सकते हैं हाँ, इसको इस जगह पर रखा गया है, बहुत ही अच्छा है। देख सकते हैं इधर ये कौन सा बहुत ही क्यूट है, कौन सा है? हेलो व्हाट इज योर नेम? मैं नो योर नेम प्लीज। अरे मेरा नाम मंदर है। और देख सकते हैं बहुत ही क्यूट है, ऐसा मैंने ऐसा नियामत ऐसा देखे फर्स्ट टाइम कभी, ऐसा और इस तरह का बंदर नहीं देखा, नहीं देखे, ये काफी ओल्ड लग रहा है ना। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं स्मॉल इस ब्यूटीफुल स्मॉल कैट, कुछ कैट है इसके अंदर, तो चलिए देखते हैं, देखने को मिलते हैं कैट्स की नहीं मिलते हैं।
तो नियामत क्या लग रहा है, कैट देखने मिलेगा? देख सकते हैं यहाँ पर कैट है, क्या नाम है इसका? फिशिंग कैट है, ये फिशिंग कैट है जो अभी सो रहा है। और ये देख सकते हैं फाइनली टाइगर, व्हाइट टाइगर, ये व्हाइट टाइगर देख सकते हैं। पीछे मोर एक आ रहा है, कहाँ है मोर? आ रहा है पीछे से, और देख सकते हैं ये है यहाँ का टाइगर, और एक आ रहा है। तो चलिए दिखाते हैं आगे सामने से, और देख सकते हैं यहाँ पे दो टाइगर एक साथ, व्हाइट टाइगर है देख सकते हैं, दो दो है। और ये इधर एक इधर चलते हुए, और देख सकते हैं यहाँ से इस तरह से सेल्फी ले ले रे, सेल्फी ले ले। हेलो हेलो, इधर इधर एक बार इधर देख सकते हैं। हेलो यार देखो इधर इधर, तू ऐसा खर मले कौन तेरी, आई लोग बुला रहे लेकिन सुन नहीं रहा है, दोनों बुला रहे हैं। और ये पेड़ पे चढ़ने वाला देख सकते हैं, लगता है पेड़ पे चढ़ने वाला है। अब आगे दिखाते हैं आपको, देख सकते हैं भाई लोग फिर वीडियो बना रहे हैं, और कैसा लग रहा, मजा आ रहा है देख के? मजा आ रहा, अच्छा है, अच्छा है ना। तो ये काफी अच्छा लक है हम लोग का कि सामने देखने को मिल गया, और देख सकते हैं ये ज्यादातर तो ये सोते ही रहते हैं लेकिन आज जगह हुआ है। तो ये देख सकते हैं काफी मस्त है, देख सकते हैं। और इधर इधर वाला और एक इधर भी, और देख सकते हैं यहाँ पर भी और एक टाइगर है जो कि सो रहा है। तो देखिए इस जगह पे दो तीन है, तीन टाइगर है, उधर मैंने दो दिखाया आपको, और यहाँ पर एक ये साइड पे जो कि बहुत ही मस्त दिख रहा है। ठीक है, करेक्ट है। तो नियामत यार कितने टाइगर है? तीन। तो चलिए उधर भी देखते हैं, काफी मजा। इधर भी टाइगर है, कहाँ है? वहाँ है यहाँ, एक आदमी गिर गया था यार, देखा यार। तो टाइगर कहाँ पर है? वहाँ बैठा हुआ है, वहाँ दिख रहा है। अच्छा, चीता है। तो इधर एक चीता भी है जो बैठा, और देख सकते हैं ये चीता, और देखिए क्या खाता है क्या पीता सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, कहाँ से है कितना साल से सारा कुछ डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये इधर अभी सोया हुआ है, ठीक है, देखते हैं अगर उठ जाता है तो वीडियो में ज़रूर उसको भी शामिल करेंगे। तो फिलहाल वो सो रहा है, तो चलिए देखते हैं हम लोग आगे में इधर वाला। और देखिए यहाँ पर एक जगवार भी है, तो ये रहा जगवार ऊपर में देख सकते हैं, और अभी ये सो रहा है ऊपर में जाके आराम कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं और कुछ इसमें, और देख सकते हैं यहाँ पे 15 टाइगर को अडॉप्ट किया गया है SBI के थ्रू में, और ये रहा द रियल बंगाल टाइगर। चलिए आगे में दिखाते हैं, और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है द रॉयल बंगाल टाइगर, और ये नियामत लोग आगे आगे जा रहे हैं। और चलिए दिखाता हूँ आपको, नाम पता है? हाइना। क्या नाम है? हाइना। और ये रहा एक हाइना, यहाँ पर एक ही रखा हुआ है। नीचे गिरे बस मालूम होता तेरे को, मार रहा है। अरे और यहाँ पर ये एक शायद भेड़िया लग रहा है। और फाइनली इधर देख सकते हैं लायन, लायन भी इधर आते हुए, और ये रहा लायन। देख सकते हैं लायन, चलिए आपको देख सकते हैं ये लायन का एरिया है।
तो आगे चले जा, इधर 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 आ जा। हेलो अरे ये अब आराम करने लगा, देख सकते हैं। हेयर कट करते इसको, हेयर कट करा तो लोग हेयर कट ही हिमालयन ब्लैक बियर। पीछे देख सकते हैं कुछ व्हाइट हिरन भी है। तो देखिए यहाँ पर एक जिराफ भी है। तो घूमने में काफ़ी मज़ा आ रहा है और फाइनली अब जो है अब जाने वाले वो स्नैक, देख सकते हैं पीछे में स्नैक। तो स्नैक जहाँ पे रहता है उस एरिया को हम लोग देखने वाले हैं अब। तो अभी तक काफ़ी मज़ा आ रहा है घूमने में, अकेला हूँ लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत ही अच्छा नेचर से पूरा का पूरा ऐसा मैंने बहुत ही कम मैंने बोला था पहले कि फर्स्ट टाइम है जू यानी कि पार्क बोलते हैं हम लोग चिड़ियाघर, तो मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। तो चले देखते हैं आगे में और क्या क्या चीज़ें इसमें हैं। से आए एक बार और इधर एक बटरफ्लाई का भी पार्क है, देख सकते हैं। और देख सकते हैं यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा झरना भी है। मौगी
और दोस्तों फाइनली जिसका था मुझे इंतज़ार यानी कि सफारी राइड, तो वो देख सकते हैं पीछे में आ चुके हम लोग सफारी राइड के लिए। और चलिए दिखाता हूँ आपको, और ये रहा सफारी का हंट क्योंकि हम लोग अभी जाने वाले हैं। तो चलिए आगे देखते हैं इसका मेन गेट और एंटर करेंगे। और देख सकते हैं टिकट वगैरह यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, एडल्ट का कितने लगते हैं देख सकते हैं। बाकी आगे चलते हैं देखते हैं। और यहाँ पे लिखा नॉन एसी बस, एसी बस जिसका भी चाहिए आपको उसका अकॉर्डिंग ले सकते हैं देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं कितने टिकट हैं इसके। और फाइनली यह सफारी पार्क का कॉम्प्लेक्स, तो इसमें भी कुछ दिए हुए हैं, ये सब का आपको ध्यान रख के जाने हैं। ओके तो चलिए चलते हैं आगे। आज नहीं खुलता, कब तक खुलते फिर भी? दिन लगते हैं। क्यों कारण बनोने का? ऐसे जाके राइट पे जाइए आप, हाँ? आगे जाओ और हाँ? मालूम कर लीजिए प्लीज़। अच्छा वहाँ काउंटर है? हाँ वहाँ काउंटर है। ओके ओके राइट। तो बहुत ही बुरी खबर, जिसके लिए मैं स्पेशली आया था वो चीज़ हो नहीं पाया। और ये बोला जा रहा है कि वो अभी क्लोज है, अभी उसको नहीं ओपन किया जाएगा। बहुत ही बुरा लग रहा है, अब जिसके लिए स्पेशली आए थे वो चीज़ ही नहीं हुआ। बोला जा रहा है कि अभी नहीं खुलेगा वो, उसमें लगभग 10 दिन के बाद उसको ओपनिंग किया जाएगा सफारी के लिए। देखते काउंटर पे जाके क्या होते नहीं होते। अब लिटरली मुझे बहुत बुरा लग रहा है, क्या जो बोलूँ अब मैं, जिसके लिए आया था वो चीज़ ही नहीं हुआ। कोई बात नहीं, देखते फिर कभी आएंगे, लेकिन सफारी राइड ज़रूर लेंगे एक दिन, अभी हो सके ना आए कोई बात नहीं। और बहुत सारे लोग अभी आ रहे हैं और हम जा रहे हैं, तो अच्छा लगा मुझे और आई होप कि आप सभी को भी काफ़ी अच्छा लगा होगा। सो अभी ओके से हाय एक बार, आई होप आप सभी को भी वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं इस तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल को जरूर प्रेस करिएगा, ठीक है? तो चलिए देखते फिर मिलते हैं अगले किसी ब्लॉग में।